फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग लाभ और हानि का टॉप मैथ लेकर उपस्थित हैं। देखिए, ये आप लोग को एग्जाम में 2 से 5 नंबर आप लोग को दे सकता है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदी जाती है, एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदी जाती है और 750 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, आप लोग तो कई तरीक़ा से बनाते हैं, लेकिन ये तरीका आप लोग को सीखना ज़रूरी है। देखिए, 600 कोई वस्तु है और उसको 750 रुपये में बेच दिया जाता है, उसको कितना लाभ होता है? तो डायरेक्ट आप लोग 750 में से 600 को घटा लीजिए। देखिए, 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, और 150 आ गया तो बस आप लोग का उत्तर भी आ गया। देखिए, 150 लिख दीजिए और गुना, देखिए कितना निकलना है। तो लाभ प्रतिशत, जब भी लाभ प्रतिशत कहे तो ऊपर में 100 लिख दीजिए और नीचे लाभ कहे तो छोटा वाला, मतलब कि आपका जो छोटा वाला जो पहले का मूल्य जो दिया हुआ है उसको में हल कर लीजिए। देखिए, आप लोग का उत्तर जो आ जाएगा, देखिए यहाँ से जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25%। तो देखिए, इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 25% के बराबर होगा। दूसरा प्रश्न है, 1000 रुपये में खरीदी गई वस्तु 1200 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, 1000 में खरीद कर 1200 में बेच दिए, तो बस आप लोग को करना नहीं, कुछ नहीं है, 1200 में से 1000 घटा दीजिए, आ जाएगा 200। अब आपको लाभ ज्ञात करना है तो ऊपर में 100 लिख दीजिए और नीचे लाभ ज्ञात करना है तो छोटा वाला 1000 है तो 1000 से हम विभाजित कर देंगे। देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 20% लाभ हो जाएगा। 2000 रुपये की वस्तु को 1600 रुपये में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, 2000 में कोई वस्तु था, 1600 रुपये में बेच दिए तो उसको कितना हानि हो गया, इसको भी घटा लीजिए, 2000 में से 1600 को घटा लीजिए तो देखिए 400 आ जाएगा। निकालना कितना है तो हानि निकालना है, फिर भी आप ऊपर में 100 लिखिएगा। अब देखिए, जब लाभ हो रहा था तो छोटा वाला लिखते थे, लेकिन हानि होगा तो बड़ा वाला को नीचे लिखना है। बस यही आप लोग याद रखिएगा कि देखिए हानि आप लोग का आ गया, हानि आप लोग देखिए 40 है, नीचे 2 है, तो अभी भी इसको हल किया जाता है। देखिए, 20% की हानि हो रहा है, हानि यहाँ पर हो जाएगा। एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदी जाती है और 1200 रुपये में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, वही क्वेश्चन है, आप लोग को सिर्फ समझना है, 1500 माइनस 1200 कर लीजिए तो आप लोग को आ जाएगा 300 आ गया, तो 300 गुने ऊपर में 100 लिख दीजिए, हानि हो रहा है तो बड़ा वाला देखिए है 1500, बस इसका हल हो जाना चाहिए। देखिए, यहाँ से हम कटा देंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 100 हो गया, और 5 से कटा देंगे तो 20% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 500 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, अब आप लोग मुझबानी बनाइएगा, 600 में से 500 घटा दीजिए, 100 हो गया, आप उन्हें 100 कर दीजिए, अब आटा में 500 कर दीजिए। देखिए, अब आप लोग मुझबानी इसको हल कीजिएगा, देखिए 20% इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 750 रुपये में खरीदी गई को वस्तु को 675 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अब कोई आप लोग के लिए अब भाष्ट नहीं है, तुरंत बनाइएगा 750 माइनस 675, तो देखिए 75 हो गया, अगुने 100 ऊपर में हानि है तो बड़ा वाला को ऊपर लिखिए। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, यानी 10% की आपको हानि हो गया। एक वस्तु को 2400 रुपये में खरीदी जाती है और 2160 रुपये में बेची जाती है तो हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको कैसे ज्ञात करना है, तो 2400 में से 2160 घटा दीजिए तो देखिए 2240
240 आ गया, अगुने ऊपर में 100 हानि है, तो बड़ा वाला को ऊपर लिख दीजिए। देखिए यहाँ से अब हल कर लीजिए, हल कर लीजिए, यहाँ पर भी 10% की हानि होगा। 3000 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु को 3600 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, दोनों को घटाइए, ऊपर में 100 लिखिए और नीचे में लाभ है तो छोटा वाला कर दीजिए, आप लोग का उत्तर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2000 आपको 20% की लाभ हो जाएगा। एक वस्तु को 4500 रुपये में खरीदी जाती है और 4050 रुपये में बेची जाती है, तो हानि ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है, 4500 रुपये में खरीद कर और उसको 4050 रुपये यानी 450 रुपये की हानि हो रहा है, तो ऊपर में 100 लिख दीजिए और नीचे में 4500 लिख दीजिए। अब हल इसको कर लीजिए, हल कीजिएगा तो देखिए आप लोग को आ जाएगा 10%। एक वस्तु को 3500 रुपये में खरीदी जाती है और 3850 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, 3850 माइनस 3500 कर दीजिए, 350 आ जाएगा, और 350 गुने 100 बटा 3500। देखिए इतना आसान हो गया कि आप लोग सोच नहीं पाइएगा कि 10% इसका लाभ हो गया। तो इस वीडियो में आज इतना ही, आज इतना से आप लोग बहुत ही लाभ मिला होगा, तो इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।